आज की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में रस भरी का जूस। हाँ जी, हम बनाएंगे फ्रेश रस भरी का जूस और इसके फायदे इतने हैं कि अगर आप लोगों में फायदे गिनाने बैठ जाऊंगा तो 6 मिनट का वीडियो तो फायदे गिनाने में ही हो जाएगा कि किस किस बीमारी के लिए और कितने फायदे हैं इसके। बहुत सारे फायदे हैं इसके, इतने फायदे हैं कि आप किसी भी रोग के लिए बहुत फायदेमंद है। रस भरी बहुत ही अच्छा होता है और इसका स्वाद भी बहुत प्यारा होता है। तो रस भरी ये देखिए इस तरीके से में होती है और बड़े आसानी से मिल जाती है। उसके फायदे बहुत हैं, हर बीमारी के लिए, बहुत सारी बीमारी हैं जिसमें ये फायदा करता है। तो आप लोग सर्च कर लेना, लेकिन इसके फायदे जो हैं अनेक फायदे हैं। तो आप लोग गूगल पे जाके इसके बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि रसभरी के कितने फायदे हैं। तो अभी फिलहाल में तो अपन बनाते हैं जूस और कभी किसी वीडियो में ज़रूर इसके हम फायदे बताएंगे आप लोगों के लिए। और इस तरीके से होती है और हमने ले ली है और बड़े आसानी से मार्केट में मिलती है। तो फ्रेश जूस बनाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनाते हैं फ्रेश जूस। और इसके फायदे तो आप लोग जाकर गूगल पर पढ़ लेना, मैं अगर फायदे बताऊंगा तो 6 मिनट का वीडियो हमारे ऐसे ही निकल जाएगा। तो हमने काट लिया है और बहुत सुंदर, जितना सुंदर देखने में लग रहा है इतना ही सुंदर ये पीने में, इतनी टेस्टी लगता है। तो ये देखिए हमने जार में डाला और इसको हम जूस बना लेंगे। ये देखिए, और इसको पीस लेते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से इसका जूस बनाते हैं। ये थोड़ी सी हमने शक्कर डाली, आप शक्कर नहीं डालना चाहते तो मत डालें, लेकिन हल्का सा खट्टापन होता है इसमें तो शक्कर तो डालना पड़ेगी। और इसको हमने पीस लिया, ये देखिए जूस जार में इस तरीके से पीस लेना है। और इसको हम छान लेते हैं जूस के लिए, ये हमने छान लिया ये देखिए। और इसमें हम डालेंगे भी लेमन, जूस में ये लेमन डाला, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। थोड़ा सा डालेंगे नमक, आप चाहो तो काला नमक या चाहो तो सिंपल नमक नमक डाल सकते हैं। नमक डाला हमने तो आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें, हल्का सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन पीने में बहुत टेस्टी लगता है रस भरी का जूस। जैसा उसका नाम है वैसे ही उसके फायदे और वैसे ही उसका स्वाद भी है रस भरी। ये देखिए ये हमारी रस भरी का जूस रेडी है। लग रहा होगा संतरा का नहीं, ये रस भरी का जूस है और ये हमारा रेडी है। और इसमें हम थोड़ी सी आइस डाली, आप प्लेन पीना चाहते हैं आइस डाल के पीना चाहते तो आप देख लें। और ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, उतने ही सुंदर इसके उतने ही फायदे भी हैं और उतने ही टेस्टी भी है। तो हमारी रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है रसभरी का जूस तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और आप लोगों को लिंक मिल जाएगी सेव भाजी, 5 प्रकार की ग्रेवी, एलो ग्रेवी, चौप मसाला, पंजाबी ग्रेवी, पंजाबी मखनी ग्रेवी, जाके चेक कर लेना। और सेव भाजी और पंजाबी ग्रेवी जरूर देखना, बहुत ही गजब की रेसिपी है। 3,000 से ज़्यादा वीडियो अपलोड किए हैं तो आप लोग जाके चेक कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद। इस तरीके से आप लोग रसभरी का जूस बना सकते हैं, अनेक फायदे हैं इसके, जाकर देख लेना। थैंक यू, धन्यवाद।